सो हाई गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड टोडेज टॉपिक इज़ नर्सिंग केयर प्लान ऑन डेंगी एंड इट इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ द पेशेंट जिसके अंडर ये सारे पॉइंट्स के बारे में लिखा जाता है इसके आगे हम लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट जिसमें आती है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री जिसमें पेशेंट ने कंप्लेन करी है जॉइंट पेन मसल पेन फीवर हेडेक की इसके बाद हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं इसके बाद आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री तो पेशेंट जो है वो न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करते हैं और फिर हम बनाते हैं फैमिली प्रोफाइल जिसमें कि नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर रिलेशन एज एजुकेशन ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस के बारे में लिखते हैं फॉलोड बाय जीनोग्राम हमारा एनवायरमेंटल हिस्ट्री फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में लिखते हैं और पर्सनल हिस्ट्री इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन जिसके अंडर आता है हेड टू टो एग्जामिनेशन तो पहला हम लिखेंगे जर्नल अपीयरेंस के बारे में इसके बाद जो स्किन का टेक्स्चर है उसके बारे में फॉलोड बाय हेयर एंड स्केल्प तो स्केल्प के बारे में कलर अबाउट द आइज़ आईब्रोज कैसी हैं आई लैशेज़ ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम लिखते हैं अबाउट दी ईयर्स एंड अबाउट द नोज इसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं माउथ लैरिंग्स, नेक फॉलोड बाय चेस्ट फिर अबडामिन का जिसमें कि हम ऑब्जर्वेट करते हैं औ के थ्रू पैलपेट करके देखते हैं और पर्कशन जेनेटेलियन रेक्टम के बारे में न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं जैसे कि डेंगी में यहाँ दे, आप देख सकते हैं कि प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज आया है आर भी डिक्रीज, डिक्रीज आया एंड यस आर इज इंक्रीज इसके बाद आता हमारा वाइटल साइन मॉनिटरिंग जिसमें पेशेंट जब से एडमिट हुआ होता है तब से हम थ्री कंजिकटिव डे का यहाँ पर हमने पैरामीटर्स लिए हैं जिसके अंडर आता है टेम्परेचर पल्स रेस्परेशन एंड ब्लड प्रेशर तो जितना भी ये पेशेंट की वैल्यू होती है हम लिखते हैं इसमें फिर आता है हमारा नर्सिंग प्रोसेस में तो हमने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए गए हमने वो लिखे हैं शॉर्ट टर्म गोल्स एंड अबाउट दी लॉन्ग टर्म गोल्स बाद जो मेनली हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना पड़ता है जो हमने बनाए हैं दैट इज़ द हाइपरथर्मिया डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम इनबैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस एनजाइटी रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशन एंड डेफिशियन नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज़ इसके बाद जो पहला नर्सिंग केयर प्लान बनता है वो बनता है हमारा हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ पैरासाइट एज एविडेंस बाय द बॉडी टेम्परेचर तो अल्टीमेट गोल यही होता है कि पेशेंट का टेम्परेचर रिड्यूस करना है तो जो अल्टीमेट प्लान होता है वो होता है कि असेस करना बॉडी टेम्परेचर पेशेंट के और टेपिड स्पॉन्जिंग यानी कि कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रोवाइड करना पेशेंट को इंकरेज करना लिक्विड और सॉफ्ट डाइट के लिए और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट प्रोवाइड करना और जो भी फिजिशियन ने एंटीपायरेटिक दी हैं वो एडमिनिस्टर करना जो सेकेंड नर्सिंग प्लान का डायग्नोस होता है दैट इज़ डेफिशिएंट फूड वॉल्यूम तो मेन गोल यही होता है टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूड वॉल्यूम जिसके लिए हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन को इंकरेज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड लेने के लिए कैफीन अवॉइड करने के लिए ओआरएस को प्रिपेयर करके एडमिनिस्टर और प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करना जो नर्सिंग केयर प्लान होता है उसका डायग्नोसिस होता है एन्जाइटी रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशन तो हमें पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करना है एन्जाइटी से तो सबसे पहले लेवल को असेस करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे डी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए प्रमोट करेंगे फिर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक जैसे कि रीडिंग म्यूजिक्स है कम हो सकता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे एन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अगला जो डायग्नोसिस है दैट इज़ एम्बेलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करेंगे फूड इनटेक को मॉनिटर करेंगे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट एनकरेज करेंगे ऐसी डाइट जो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो हेल्थ एजुकेशन देंगे और मील प्लानिंग में भी असिस्ट करेंगे लास्ट हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन जिसमें पर्सनल हाइजीन डाइट जनरल एडवाइस और मेडिकेशन एंड फॉलोअप के लिए एडवाइस करेंगे तो दैट्स ऑल एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप Unsubscribe to my channel and do share with your friends. Thank you.